आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपको गोल्ड मेडल मिला है। थैंक यू वेरी मच। आपको गोल्ड मेडल मिला है किस चीज़ों के लिए मिला है? फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज में हाईएस्ट परसेंटेज जिसकी आती है उसको हर ईयर TN चावला अवार्ड मिलता है। सो इस बार हमारे डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री जहाँ बच्चों के दांतों का इलाज होता है उसमें हमारी आई है, इसलिए हमें मेडल मिला है। आपको गोल्ड मेडल पाके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। इस गोल्ड मेडल पाने से आपको क्या सीख मिली है और आगे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई आप एक एग्ज़ाम से दो दिन पहले नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। सो डिपेंड्स कि आपके टीचर्स ने और आपको कैसे प्रिपेयर करा है एग्ज़ाम्स के लिए। सो अगर मैं बोलूँ तो हमारे डिपार्टमेंट में बहुत रेगुलर शेड्यूल से सेमिनार्स होते हैं और उन सेमिनार्स में बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ता है। सो आई थिंक कि इस तरीके से पढ़ाई बेटर होती है। अगर मैं बुक खोल के बैठ जाती तो उससे इतना वो नहीं आता जितना कि क्रॉस क्वेश्चनिंग और टीचर्स के इन्वॉल्वमेंट से आता है। जैसा कि एक तरफ लड़कियों को देखा जाता है कि घरों में कैद कर दिया जाता है, लेकिन उसी जगह आपने एक ये मुकाम हासिल किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? आई थिंक इसका श्रेय पूरे मेरे पेरेंट्स पे और मेरे टीचर्स पे जाता है जिन्होंने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करा एक लड़के और एक लड़की के बीच में। पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, इक्वल तरीके से पढ़ाया है और दोनों को इक्वल उस पर रखा है। मेरे को पीजी हैं वो लड़के हैं, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे टीचर्स ने उनको ज़्यादा करा हो और कभी घर में भी ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी पापा ने डिफ्रेंशिएट करा हो। सो